हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सबका स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपको सिखाया है कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या है, महत्व क्या है, विशेषताएँ क्या है, और हमने उसके दोष के बारे में भी बात की। वही टॉपिक आज हम इस वाले पार्ट में करेंगे, लेकिन वो किसके साथ करेंगे? तो हम इस वाले इस वीडियो में समष्टि के साथ करेंगे, मतलब स्थूल अर्थशास्त्र के साथ करेंगे। मतलब जो हमारा लास्ट क्लास हुआ था वो किसके बारे में हुआ था? वो हमारा लास्ट क्लास हुआ था सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में, और अभी जो हमारा क्लास होगा वो काय के बारे में होगा? आपका स्थूल अर्थशास्त्र के बारे में होगा। चलिए, तो जैसे देखिए, हमने आपको इसके पहले भी छोटा सा मतलब आपको समझाए है। क्या समझाए हमने आपको? तो वो याद रख के चलिएगा अपने दिमाग में कि सूक्ष्म जो अर्थशास्त्र होता है वहाँ छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है, छोटे से भाग का अध्ययन किया जाता है। लेकिन ये जो स्थूल अर्थशास्त्र होता है, जिसे हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जब छोटा अध्ययन हो तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, और सभी चीजों का अध्ययन हुआ तो स्थूल अर्थशास्त्र। इतनी बात मैंने आपको समझाया था ना? तो चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ स्थूल अर्थशास्त्र के बारे में, यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, कि क्या चीजें हैं। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे कि जो समष्टि है यानी व्यापक अर्थशास्त्र, या इसे व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के साथ मिला जुला प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। मतलब व्यष्टि जो अर्थशास्त्र के साथ मिला जुला प्रयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। मतलब क्या होता है इसका मतलब? जो आपका व्यष्टि है और स्थूल अर्थशास्त्र है, दोनों ही चीजें एक साथ समय से चलती आ रही है। क्योंकि हमने इसके पहले पढ़े थे ना, रैंगर फील्ड जी ने दो ये अध्याय दी थी हमको, वही चीज बता रहा है। किंतु ये दोनों साथ में प्रयोग करते हैं, लेकिन ये दोनों शाखाएं क्या है? अलग अलग है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग आधुनिक समय से ही आरंभ हुआ है, और सबसे ज्यादा यूज कब हुआ? जब 1930 में भयानक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, उस समय प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने पूर्ण रोजगार के सिद्धांत की असफलता के कारण, जो पूर्ण रोजगार का सिद्धांत था उसकी असफलता हुई। क्योंकि अगर मंदी आ चुके तो लोगों के पास पूरा रोजगार नहीं हुआ। उस समय J.M. कीन्स नाम के प्रोफेसर थे, इन्होंने सबके लिए एक चीज बताया, और इन्होंने एक बात कही। इन्होंने कहा कि मंदी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था को अगर अध्ययन करने के लिए इन्होंने व्यापक विश्लेषण को अपनाया। मतलब इन्होंने छोटी सी चीज को पढ़ने से ज्यादा बड़े चीजों को पढ़ने के ऊपर ध्यान दिया। व्यापक विश्लेषण को इन्होंने अपनाया है। कब अपनाया इन्होंने? जब वो मंदी में फंसी हुई थी हमारी अर्थव्यवस्था। किसने अपनाया? J.M. कीन्स ने। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा। मतलब 1930 के बाद ही बहुत ज्यादा समष्टि अर्थशास्त्र पॉपुलर हुआ था, अगर इसका ओरिजिनल में देखा जाए तो। उसी प्रकार जैसे हमने यहाँ पर लिखा ही है आपके लिए कि अर्थव्यवस्था का पूरा अध्ययन करना, समग्र रूप से अध्ययन करना, ये क्या कहलाता है आपका? समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हो कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, कि समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक विश्लेषण की ऐसी शाखा है जहाँ पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संबंध बड़ी योग औसतों, जैसे कुल राष्ट्रीय आय, आय उत्पाद, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उपभोग आदि चीजों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, और इनके पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। तो उसे ही क्या कहा जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। मतलब जब आप पूरा ही चीजों का एक साथ अध्ययन करोगे तो उसे क्या कहा जाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन नहीं करते, क्योंकि व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, बताइए आप मुझे। आप बोलोगे सर, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है, स्थूल अर्थशास्त्र में बिल्कुल नहीं किया जाता। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल योगों का अध्ययन करना, मतलब जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था है उसमें जितने भी कुल घटक है उनका योग करना ही क्या कहलाता है? उनका अध्ययन करना ही आपका क्या कहलाता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं बल्कि स्थूल अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर योगात्मक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। जो आपका स्थूल अर्थशास्त्र से योगात्मक, योगात्मक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों का एक साथ अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसको योगात्मक या सामूहिक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। क्योंकि आप बहुत सारी चीजों का क्या किया जाता है? एक साथ अध्ययन किया जाता है। अगर हम आगे की बात करते हैं तो कुछ अर्थशास्त्री उसकी परिभाषा दी है, जिसमें से प्रोफेसर बोलनी के अनुसार ये क्या कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्तिगत मात्राओं से नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत अध्ययन नहीं कहा जाता, बल्कि इन मात्राओं के योग से है। मतलब इन मात्राओं के योग से है, व्यक्तिगत मात्राओं के किससे है? योग से है
संबंधित व्यक्ति के आय से नहीं है बल्कि राष्ट्रीय आय से है। मतलब यहाँ राष्ट्रीय आय का अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि किसका करेंगे, राष्ट्रीय आय का। व्यक्तिगत कीमतों से नहीं है बल्कि सामान्य कीमत स्तर से, मतलब एक वस्तु की कीमत से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत सभी वस्तु का कीमत स्तर क्या है देश में उससे फर्क पड़ता है। व्यक्तिगत उत्पाद का अध्ययन नहीं है बल्कि राष्ट्रीय उत्पादन से होता है। मतलब प्रोफेसर बोल्डिंग ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है यहाँ व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं किया जाता बल्कि इनके योग का अध्ययन किया जाता। एक व्यक्ति का अध्ययन नहीं कर, व्यक्ति का अध्ययन नहीं करेंगे बट राष्ट्रीय का अध्ययन करेंगे। एक व्यक्तिगत कीमत का अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन सामान्य कीमत का अध्ययन करेंगे। एक व्यक्तिगत उत्पादन का अध्ययन नहीं करेंगे लेकिन राष्ट्रीय उत्पादन का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर शंबरली ने भी कुछ ऐसे ही कहा है, समष्टि अर्थशास्त्र कुल संबंधों की व्याख्या करता है, कुल संबंध मतलब सभी की, टोटल की बात करता है, योग की बात करता है, ऐसा चैम्बरलेन ने कहा है। और प्रोफेसर सूल जी ने कहा है समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण राष्ट्रीय आय का विश्लेषण है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, बोलते हैं ये राष्ट्रीय आय है, ऐसा प्रोफेसर सूल जी का कहना है। तो ये इसके मतलब हुआ और इसकी कुछ परिभाषाएं हुई जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक्सप्लेन करके दिया हूँ। पेपर में आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसको आपको लिखना पड़ेगा और अच्छे मार्क्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने ऊपर का परिभाषाओं में पहले ही बताया कि यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं के घटनाओं का संपूर्ण रूप से अध्ययन किया जाता है, पूरा अध्ययन किया जाता है। कुल रोजगार, कुल आय, मतलब पूरा रोजगार कितना है, पूरी आय कितनी है, ऐसे समष्टि मतलब बड़ी बड़ी बातों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। इसी कारण इसमें रोजगार के सिद्धांत और आय के सिद्धांत भी कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोजगार के सिद्धांत और आय के सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये याद रखना, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में कौन से सिद्धांत आए थे, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आया था आपका कीमत सिद्धांत आया था, ठीक है। तो रोजगार जो सिद्धांत है, रोजगार या फिर आपका कौन सा आय सिद्धांत जो आता है वो कहाँ आता है, ये जो सिद्धांत आते हैं वो स्थूल अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। पेपर में एक मार्क का क्वेश्चन बनता है, एमसीक्यू में भी आता है, तो अब ये याद रखिए। समष्टि अर्थशास्त्र का विशेषताएं क्या है, तो जैसे हमने बोले इसकी पहली विशेषता है व्यापक दृष्टिकोण, ये छोटी चीजों के बारे में नहीं सोचता है, छोटी का ये कोई महत्व नहीं देता है बल्कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अध्ययन करने की बात करता है। मतलब ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समस्याओं का हल करने की कोशिश करता है। मतलब जो इस समष्टि अर्थशास्त्र है इसका दृष्टिकोण जो है वो व्यापक है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है इसका व्यापक दृष्टिकोण। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इसकी दूसरी विशेषता है व्यापक विश्लेषण। व्यापक विश्लेषण का मतलब क्या है, तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत विश्लेषण ना होकर एक व्यापक विश्लेषण, मतलब ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं सोचता बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचता है। जैसे सरकार के लिए मुद्रा, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का, राष्ट्रीय व्यय का, परस्पर संबंध का अध्ययन और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका निष्कर्ष निकाला जाता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है इसका भी अध्ययन इसमें किया जाता है। मतलब इसका जो विश्लेषण है वो व्यापक विश्लेषण है कि जो सरकार की मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, या फिर सरकार ने जो आपका सार्वजनिक व्यय किया है, सार्वजनिक आय है, इसका सरकार जो हमारे लोग है, व्यक्ति है, इन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है इसका व्यापक विश्लेषण करने का काम भी कौन करता है, समष्टि अर्थशास्त्र करता है। दूसरी चीज है परस्पर निर्भरता। परस्पर निर्भरता मतलब क्या है, तो जब कोई चीज एक दूसरे पर निर्भर करती है तो उसे क्या कहा जाता है, परस्पर निर्भरता कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसमें जो समूह होते हैं और उनके अलग अलग घटक होते हैं, औसत होते हैं, उनके एक दूसरे के ऊपर परस्पर संबंध का भी अध्ययन इसमें किया जाता है कि अगर एक चीज में परिवर्तन आया तो दूसरी चीज में किस तरीके से संतुलन बनाया जाए या किस तरीके से परिवर्तन आता है, इन सब चीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अपना हमारे समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। मतलब यहाँ पर एक दूसरे से परस्पर संबंध का अध्ययन भी होता है कि समूह एक दूसरे पर किस तरीके से निर्भर करते हैं इसका अध्ययन भी इसमें होता है। समूह की निर्भरता का अध्ययन किया जाता है, ये बात याद रखिएगा, समूह का। जैसे अगर व्यक्तिगत निर्भरता का अध्ययन करने की बात आई तो वहां पे कौन आ जाएगा आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आ जाएगा, वहां पे कौन आ जाएगा आपका, सूक्ष्म अर्थशास्त्र आ जाएगा। लेकिन जब समूह की निर्भरता की बात आ गई तो वहां पे आपका कौन आ जाएगा, आपका समष्टि अर्थशास्त्र आ जाएगा। फिर यह इसको क्या कहा जाता है, तो इसको आय और रोजगार के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और कुल रोजगार का अध्ययन केंद्रीय स्थान रखता है। जैसे हमने पहले ही बताया कि समष्टि अर्थशास्त्र में दो चीजों का अध्ययन बहुत ज्यादा किया जाता है, एक होता है राष्ट्रीय आय का और एक किसका होता है, कुल रोजगार का होता है।
इसलिए शिक्षा केंद्रीय स्थान होने की वजह से इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है, आय या रोजगार का सिद्धांत भी कहा जाता है। फिर है सामूहिक हितों पर बल। सामूहिक हितों पर बल मतलब कि इसमें क्या होता है कि एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि समूह पर ही क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। जैसे समष्टि अर्थशास्त्र में एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सामूहिक हितों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र एक-एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहा था, लेकिन जो ये हमारा स्थूल अर्थशास्त्र है वो एक व्यक्ति के बारे में नहीं बात करेगा, बल्कि किसके बारे में बात करेगा, पूरे समूह के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर सामूहिक हितों पर ज्यादा बल दिया जाता है, ना कि व्यक्तिगत हितों पर बल दिया जाता है। आई थिंक आपको इतनी विशेषता क्या हो चुकी होंगी, क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इसके कुछ महत्व की। तो ये महत्व क्या है इसका, तो पहला महत्व है जटिल समस्याओं का समाधान। जो काम आपका स्थूल अर्थशास्त्र सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं कर पाता, वो काम आपका कौन कर देता है, स्थूल अर्थशास्त्र कर देता है। मतलब ये जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती है देश की अर्थव्यवस्था में, उन सभी समस्याओं को समाधान करने का काम कौन करता है आपका, आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र नहीं कर पाया, वो स्थूल अर्थशास्त्र कर देता है। जैसे लिखा ही है, आधुनिक अर्थव्यवस्था अत्यंत जटिल है, और इस जटिल होने की वजह से चीजें एक अनेक आर्थिक तत्व एक परस्पर एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र से विश्लेषण की सहायता से पूर्ण रोजगार, व्यापार चक्र जैसी जटिल समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो ये बात आ गई इसमें। फिर आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक, तो सरकार जो आर्थिक नीतियां बनाती है उसका सीधा प्रभाव पूरे देश पर पड़ता है। तो इन आर्थिक नीतियों के निर्माण के समय भी आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि जब देश के आर्थिक नीतियां बनाई जाएंगी तो उस समय कुल की बात होती है, कुल रोजगार कितना बढ़ेगा, कुल आय कितनी बढ़ेगी, क्या कीमत स्तर होना चाहिए, क्या देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, क्या व्यापार चक्र होगा, कुल की बात हो रही है ना, सभी चीजों की बात हो रही है। जब कुल के बारे में बात हो रही है तो वहां समष्टि अर्थशास्त्र आ ही जाता है। तो जैसे लिखा है कि जो सरकार के प्रमुख कार्य है कुल रोजगार, कुल आय, सामान्य कीमत स्तर या व्यापार के सामान्य स्तर पर नियंत्रण करने का, अतः समष्टि अर्थशास्त्र सरकार के आर्थिक नीतियों में क्या होता है, सहायक होता है। क्योंकि सरकार की नीतियां निर्माण किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के लिए ध्यान नहीं दिया जाता, यह संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर काम करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र क्या आता है, काम में आता है। तीसरी जो चीज है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। अब ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक कैसे है, जो हमने डाटा किया है, हमने व्यष्टि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र था हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र था उसका विश्लेषण में किए थे, वो क्या हुआ, समष्टि अर्थशास्त्र में बहुत सहायक होता है। अब क्यों सहायक होता है, क्योंकि वही का डाटा यहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे देखिए, एक उत्पादक अपने उत्पाद के संबंध में निर्णय लेते समय कुल उत्पाद या उत्पादन के व्यवहार से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो मतलब यहाँ क्या हुआ कि चीजें एक दूसरे पर क्या करती है, यहाँ पर डिपेंड करती है कि इसकी चीज मतलब, जैसे कि हमने एक बात कही थी आपको याद हो तो, कि अगर एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करते हैं हम, कहाँ एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करते हैं हम, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम एक व्यक्ति की मांग का अध्ययन करते हैं। लेकिन जब मैं एक एक व्यक्ति करके ऐसे पूरे देश के व्यक्तियों की मांग का अध्ययन कर लूंगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका कुल मांग बन जाएगा। वही बात यहाँ पर निकल के आती है कि यहाँ पर जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में ये क्या होता है, सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण में समष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही सहायक होता है। दोनों चीजें जिस तरीके से सूक्ष्म अर्थशास्त्र स्थूल अर्थशास्त्र के लिए जरूरी है, वैसे ही स्थूल अर्थशास्त्र भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। फिर आर्थिक विकास, अगर आपको देश का आर्थिक विकास करना है तो आपका जो एस्पेक्ट होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण देश होना चाहिए। जब संपूर्ण देश के बारे में बात होती है तो उसके आर्थिक विकास के लिए भी समष्टि अर्थशास्त्र महत्वपूर्ण विषय होता है। समष्टि विश्लेषण में हम क्या करते हैं कि देश के अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और उसकी क्षमताओं के बारे में बात करते हैं, उसके मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, उत्पादन के बारे में बात करते हैं, रोजगार के स्तर में वृद्धि कैसे होंगी इसके बारे में बात करते हैं। मतलब जब हम समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं तो हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था की विकास के बारे में बात करते हैं। अगर संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में अगर हम समष्टि अर्थव्यवस्था में बात कर रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में बात कर रहे हैं, उसका मतलब यही हुआ कि हम किसके बारे में बात करते हैं, आर्थिक विकास के बारे में बात करते हैं। फिर है हमका मौद्रिक समस्याओं का विश्लेषण। मौद्रिक समस्या का विश्लेषण का मतलब होता है कि हमारे देश में जो मुद्रा से संबंधित समस्याएं होती है,
क्योंकि आपको पता है कि हमारी सरकार जो है वो मौद्रिक नीति बनाती है। अगर वहां पर जैसे कि तेजी आ गई, मंदी आ गई, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, जैसे मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन हो गया, ठीक है, तेजी मंदी के समय भी इन मौद्रिक समस्या जो आती है उसमें भी हमारा समष्टि अर्थशास्त्र सहायता करता है। जैसे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से मौद्रिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है और मुद्रा के मूल्य में होने वाले उच्चावचन को अर्थव्यवस्था प्रभावित करती है, जिसके ऊपर नियंत्रण मौद्रिक नीति या राजकोषीय नीति या अन्य साधनों द्वारा भलीभांति किया जा सकता है। तो जब देश में महंगाई बढ़ने लगती है तो उस महंगाई को कम करने के लिए क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र हमारी सहायता करता है, मतलब मौद्रिक समस्या का ये विश्लेषण करता है और उन्हें उनकी अर्थ मतलब उनकी सॉल्व करने के, उन समस्याओं को सुधारने के लिए हमारे काम में आता है। फिर है हमारा मुद्रा मूल्य के निर्धारण में सहायक। अब मुद्रा का मूल्य क्या रखना है, इसमें भी ये क्या करता है, हमारी सहायता करता है, मुद्रा मूल्य के निर्धारण में सहायक। जैसे यहाँ लिखा है, मुद्रा के मूल्य निर्धारण में क्या होता है, ये जैसे एक व्याख्या दी गई है, एक बार पढ़ लेते हैं। मुद्रा के मूल्य निर्धारण के सिद्धांत भी व्याख्या समष्टि अर्थशास्त्र में की जाती है, क्योंकि मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन होने से संपूर्ण समाज पर पड़ने वाले परिवर्तनों की व्याख्या की जाती है। जैसे मुद्रा के मूल्य निर्धारण मतलब जैसे कि देश है, हमारा देश में मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा उस देश को व्याख्या करती है, बोलते हैं एक लाइन कहा जाता है, जिस देश की मुद्रा स्ट्रांग है तो वो देश स्ट्रांग है। तो अगर देश स्ट्रांग बनाना है तो हमारा जो मुद्रा है, जैसे हमारा अभी रुपया जो है हमारा मुद्रा है, चलन है हमारा, तो अगर ये इतना इसमें जो परिवर्तन आया, इस मुद्रा का, इस रुपये का मूल्य क्या रखना है, क्या निर्धारण करना है, इसमें भी स्थूल अर्थशास्त्र क्या करता है, हमारी सहायता करता है, क्योंकि इसका हमारे समाज पर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर रुपया वीक होते जाएगा, जैसे कहा जा रहा है कि डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया कम है, कमजोर है, क्योंकि अगर 1 डॉलर की कीमत आज 80 रुपए के करीब करीब है तो मतलब हमारा रुपया बहुत कमजोर हो चुका है। तो इसके मूल्य निर्धारण में भी क्या करता है, हमारा सहायता करता है। जैसे 1 डॉलर की कीमत 80 रुपए है, ये कैसे पता चला, आज हमारे मुद्रा का मूल्य कैसे पता चला, तो ये जो 80 रुपए बताने का जो काम किया है वो किसने किया है, वो हमारे स्थूल अर्थशास्त्र ने किया है। मतलब मुद्रा के मूल्य निर्धारण में भी ये क्या होता है, सहायक होता है। फिर है यहाँ पर जो विरोधाभासों के कारण आवश्यक। अब क्या होता है कि कुछ विरोधाभास है, विरोधाभास है मतलब क्या, कि कुछ ऐसे नियम है सूक्ष्म अर्थशास्त्र के जो स्थूल अर्थशास्त्र के बिल्कुल अपोजिट में है, इसलिए भी जरूरी बन जाता है। जैसे एक व्यक्ति के लिए बचत करना लाभदायक है, लेकिन समाज के संपूर्ण लोगों को बचत करना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो इन सब विरोधाभास को स्पष्ट करने के लिए भी क्या होता है, हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र हमारे लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर सब लोगों को ये लगा कि बचत करना अच्छी बात होती है तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएंगी का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था में पैसा ही नहीं रहेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा समष्टि अर्थशास्त्र भी हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। जो यहाँ निम्न जो पॉइंट थे उनसे मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, आई होप तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं, तो ये हमने अभी तक तो उसकी विशेषताएं देखी है, अभी हम क्या देखते हैं इसकी कुछ सीमाओं के बारे में बात करते हैं, इसकी समस्याएं क्या है। तो ये समूह संरचना पर ध्यान देंगे। पहला है एक्चुअली व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर समष्टि अर्थशास्त्र निष्कर्ष निकालने में खतरा। जैसे कि जो हम समष्टि अर्थशास्त्र में जो निष्कर्ष निकालते होता है व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर, मतलब हम व्यक्तिगत घटकों का अध्ययन करते हैं और बाद में समष्टि अर्थशास्त्र में निष्कर्ष निकालते हैं। तो जैसे ही जरूरी नहीं है कि जो व्यक्तिगत इकाइयां हमें मिली है वो जो बातें कही गई वह सत्य हो, ये आवश्यक नहीं होता है। मतलब संपूर्ण समाज के बारे में जो भी हम बात कहेंगे वो सही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बात कही गई है कि एक व्यक्ति के लिए बैंक से उसकी जमा राशि निकालने पर कोई खतरा नहीं, किंतु सभी साझेदार एक साथ अगर बैंक से अपनी राशि निकालते हैं तो बैंकिंग व्यवस्था खत्म हो जाएगी। मतलब क्या होता है कि अगर जैसे व्यक्तिगत इकाइयों में, अब मेरा फायदा इस बात में है कि मुझे बैंक से पैसा निकालने में कोई खतरा नहीं, मैं अपना पैसा निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर पूरे लोग क्या हो जाए एक साथ ही बैंक से निकालना पैसा निकालना चालू कर दे तो क्या हो जाएगा, पूरी बैंकिंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो ये चीज होती है कि व्यक्तिगत इकाइयों के आधार पर आप समष्टि अर्थशास्त्र में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। बैंक से पैसा निकालना अच्छी बात है, लेकिन सभी लोगों का निकालना अच्छी बात नहीं है, तो निष्कर्ष निकालने में प्रॉब्लम आती है यहाँ पर। फिर है आपका
समूह की संरचना पर ध्यान न देना। अब समूह की संरचना क्या होता है, तो जैसे कि आपको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। समूह की संरचना पर ध्यान न देना। सामान्यतः समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत समूह के आकार प्रकार का अध्ययन किया जाता है, ना कि समूह की वास्तविक संरचना का। मतलब यहाँ पर क्या होता है समष्टि अर्थशास्त्र में, यहाँ पे आकार प्रकार का अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके से है, बड़ा है क्या, छोटा है क्या, इसका अध्ययन किया जाता है। समूह की वास्तविक संरचना क्या है, इसका कोई अध्ययन नहीं किया जाता। जैसे समूह की संरचना, समूह की बनावट, समस्त अंगों की संपूर्ण जानकारी, आवश्यक संपूर्ण जानकारी, या फिर इसके अभाव में होने वाली भविष्यवाणी अत्यंत ही भ्रामक स्थिति पैदा कर सकती है। बोलने का मतलब यह है यहाँ पर कि जब हम किसी व्यवसाय की समझ के अर्थशास्त्र किसी व्यवसाय का अध्ययन करता है, वो क्या करता है, बस उसके आकार या प्रकार का अध्ययन करता है, उसकी वास्तविक संरचना का अध्ययन नहीं करता। इसकी वजह से क्या होता है, तो जो संरचना की बनावट होती है, उसकी जो अंग होते हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां होती है, उनके अभाव में क्या होता है कि भविष्य में क्या होती है, भ्रामक स्थितियां पैदा हो सकती है कि मुझे लगता था कि वो व्यवसाय ऐसे काम करता था बल्कि ऐसा काम करता है। मतलब दोनों चीजें अलग हो जाती है। यहाँ पर वास्तविक संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता, बल्कि उसके आकार और प्रकार का ही क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मान एक उदाहरण भी दिया है, मान लीजिए 1990 और 1991 दोनों ही वर्ष में उत्पादन का स्तर समान है, इन दोनों ही वर्ष में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। अब देखो दोनों पर वास्तविक संरचना क्यों ऐसा हुआ, जैसे 1990 में मान के चलो आपको 100 रुपये का फायदा हुआ था और 1991 में भी आपको 100 रुपये का फायदा हुआ था, मतलब आप व्यवसाय के 100 रुपये की कमाई के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हो कि ये 100 रुपये जो बनाया गया है इसके अंदर उसका खर्चा कितना था। वास्तविक संरचना क्यों ऐसा हो गया कि साल तो बदल गया लेकिन फायदा नहीं बदला, रीजन क्या है, मतलब उसकी वास्तविक संरचना के बारे में बात नहीं करते हम, ऊपर ऊपर वाले जो नंबर है आकार प्रकार नंबर इनके बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा ही है, परंतु ये भी हो सकता है कि 1990 में एक एग्जाम्पल है, 1990 में कृषि उत्पादन का उत्पादन ज्यादा था और औद्योगिक वस्तु का उत्पादन क्या हुआ है, कम हुआ। ठीक उसके ऊपरी 1991 में कृषि उत्पादन कम हुआ हो और औद्योगिक उत्पादन क्या हुआ हो, ज्यादा हो, अतः समूह के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करना या नीतियां बनाना उचित नहीं है, जब तक समूह की बनावट या उसके अंगों की या स्वभाव की तथा परस्पर संबंध का सही सही जानकारी ना हो, शामिल ना हो। जैसे देखिए अगर बोला गया कि देश का फायदा हुआ है, ठीक है, देश का कृषि व्यवसाय बड़ा है, देश का फायदा हुआ है ऐसा बोला है, कृषि व्यवसाय और कितने का फायदा हुआ है ऐसा मान के चल रहे, देश की कमाई हुई 100 रुपये, कितनी कमाई हुई है 100 रुपये की, मतलब जो उत्पादन है टोटल मिला के देश का कितना है 100 रुपये है ऐसा मान के चलो आप, और कृषि से 50 कमा रहे हैं और उद्योग से हमने कितना कमाए हैं, औद्योगिक वस्तुओं से हमने कितना रुपये कमाए हैं, 50 रुपये कमाए हैं, तो ये 50 और ये 50 मिला के कितना रुपये कमाए हैं, हमने 100 रुपये कमा चुके हैं। अगर मैंने 100 रुपये ये कमाया हूँ, लेकिन ये 1990 में क्या, लेकिन 1991 में भी ये 100 रुपये है, 1991 में भी ये 100 रुपये है, लेकिन कृषि का जो रुपये है मान के चलो आप ऐसे समझो कि कृषि का जो रुपये है 40 रुपये है और औद्योगिक वस्तु 60 रुपये, तो रिजल्ट तो 60 ही है, मतलब तो हम बस किसको देख रहे हैं, ऊपर वाले अमाउंट के बारे में देख रहे हैं, अंदर की बातों के बारे में बात नहीं देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ, कौन से वस्तु की कीमत बढ़ी है, मतलब कौन से वस्तु का उत्पादन बढ़ा है, कौन से वस्तु का उत्पादन घटा हुआ है, मतलब यह समूह की संरचना पर ध्यान नहीं दिया जाता कि अंदर की डीप स्टडी नहीं होती, बस ऊपर के नंबरों की, मतलब जो हमारा समूह है मतलब व्यवसाय है उसके हम किसके बारे में बात करते हैं, उसके आकार और प्रकार के बारे में बात करते हैं, उसकी वास्तविक संरचना के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करते हैं। फिर है आपका विजातीय समूह की समस्या। अब ये विजातीय क्या होता है, तो आपने एक वर्ड सुनी हो, सजातीय और विजातीय, सेम सेम रहे तो सजातीय और जब अलग अलग रहे तो वो क्या कहलाते हैं, विजातीय कहलाते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो हमारा समष्टि विश्लेषण है, यहाँ पर ये यह आवश्यक नहीं कि जिस समूह का आप अध्ययन कर रहे हो वो सजातीय हो, सजातीय इकाई हो। जैसे कि अगर मैं कपड़ा बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करूँ, तो ए नाम की कंपनी भी कपड़ा बनाती है और बी नाम की कंपनी कपड़ा बनाती है, तो ये जो कंपनियां हैं उद्योग है उन्हें समूह कहा गया है, ठीक है। तो दोनों अगर कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं तो ये दोनों सजातीय हुए, और दोनों अगर अलग अलग काम कर रहे हैं, एक ए कंपनी कपड़ा बनाने का काम करती है तो दूसरी जो बी कंपनी वो जूते बनाने का, शूज बनाने का काम करती है, तो ऐसा आप समझिए कि अब ये दोनों क्या हो गए, विजातीय हो गए, मतलब विजातीय समूह का बन गए। यदि समूह संरचना की
ऐसी इकाइयों के आधार पर भी है जिनका पारस्परिक संबंध नहीं है, तो ऐसे समूह पर निष्कर्ष निकालना सही साबित नहीं होता। अगर जो चीज अध्ययन मैंने कपड़ों के लिए किया है वही जूतों के लिए अप्लाई हुए जरूरी नहीं है, मतलब समूह क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो अब इनका निष्कर्ष निकालना भी तो अलग अलग होना चाहिए। यह समूह विद्युतीयकरण की क्या आती है, यहाँ पर एक समस्या दिखाई देती है। फिर है आपका निष्कर्षों का व्यवहारिक ना होना। इसके जो निष्कर्ष है, ये जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, स्थूल अर्थशास्त्र है, इसके जो निष्कर्ष है व्यवहारिक होंगे जरूरी नहीं है, सही सही से सिद्ध होते ही जरूरी नहीं है। जिसे लिखा है, समूह के आर्थिक विश्लेषण के आधार पर निर्मित नीतियां अक्सर गलत परिणाम देती है। कि जो समूह की हम अध्ययन करते हैं और जो निष्कर्ष निकालते हैं वो हमेशा जो हमें गलत परिणाम देती है। ये जैसे मान के चले, यदि कीमत निर्देशांक को देखकर हम ये कहने लगे कि वस्तु की कीमत स्थिर है, तो हमारा यह अनुमान गलत होगा, क्योंकि कुछ वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने पर और कुछ वस्तु में कमी होने पर सामान्य कीमत स्थिर रहेगा, लेकिन वस्तुओं की कीमतों में ऊंचा वचन फिर भी होगा। जैसे देखिए, मैं इसको समझाता हूँ आपको यहाँ पर, कि अगर मान के चलो जो हमारा सामान्य कीमत स्तर है, वो 100 है। कितना है? 100 है। जो ऊपर वाला एग्जांपल हुआ था ना उसी की तरह बनेंगे, जहाँ एक ए वस्तु है और बी वस्तु है। तो ए वस्तु अगर आपकी 90 रुपये की है और बी वस्तु कितने की है, 10 की है, तो ऐसा सामान्य कीमत स्तर कितना निकल के आया, 100 निकल के आया। सभी वस्तु का निकाला जाता है, फॉर्मूले से निकाला जाता है सामान्य कीमत स्तर। आगे आने वाले वीडियोज में हम पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी। अगर मान के चलो अगले साल ए और बी, ये वही है, पर अब ये हो गया 80 और बी हो गया 20, पर सामान्य कीमत स्तर तो सब ये बना ना, तो सामान्य कीमत स्तर सेम है, लेकिन क्या वस्तु की कीमतों में बदलाव हुआ है, रहा हुआ है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि सामान्य कीमत स्तर सही है तो कीमतें स्थिर है, ये गलत है, कीमतें बदल गई है। जो चीज ए 90 रुपये का था वो 80 रुपये का हो गया, जो बी 100 का था वो कितने का हो गया, सॉरी, बी जो 10 का था वो 20 का हो गया, तो ये चीज हो गई। फिर इकाई, समूह की इकाइयां या व्यक्तिगत इकाइयों के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। अब देखो, समूह की जो इकाइयां है व्यक्तिगत इकाइयों का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती बोलता है। बोलने का मतलब क्या है कि समूह की इकाइयां व्यक्ति का, इसे उदाहरण के लिए आप ऐसे समझो, एक उदाहरण दिया है आप उसको पहले समझ लो, फिर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूंगा इससे। उदाहरण के लिए मान के चले, कुल मांग में वृद्धि होने के कारण कुल उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन कुछ फर्म ऐसी होंगी जिनका उत्पादन बढ़ने पर भी उनकी लागत क्या हो जाएंगी, वृद्धि हो जाएंगी, कुछ की लागतों कमी होगी। ठीक उसी तरह से आय स्तर बढ़ने पर कुछ वस्तुओं के उपभोग बढ़ता है और कुछ उपभोग घट भी जाता है। इस प्रकार ऐसी असमानताओं के कारण समूह और व्यक्तिगत मात्रा का सही निष्कर्ष निकालने में असमर्थ होता है। जैसे इसमें बोलना चाहता है दो एग्जाम्पल के जरिए, जैसे आप इससे समझिए कि अब कुल मांग बढ़ गई है, कुल मांग क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अगर कुल मांग बढ़ती है तो हम मानते हैं कि जो उत्पादन होगा उसको भी क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन क्या करना पड़ेगा, बढ़ेगा। तो आप मुझे ये नहीं बता सकते आप कि अगर दो उद्योग है, ए उद्योग और बी उद्योग है, तो अगर कुल मांग बढ़ चुकी है पर उत्पादन भी बढ़ रहा है, पर ए को जो उत्पादन बढ़ रहा है ना, उस उत्पादन में ए का खर्चा 100 का है, ए का खर्चा कितने का है, 100 का है, पहले खर्चा 100 का था और ये अभी कितने का हो गया, 150 का हो गया, उत्पादन बढ़ाया था। और बी के साथ ऐसा हुआ कि ए का खर्चा पहले 100 रुपये का था, बी का खर्चा, और अब ये 80 रुपये हो गया। वापस से समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझिए कि कुल मांग बढ़ गई तो उत्पादन बढ़ाएंगे, तो जब उत्पादन बढ़ता है तो ए के लिए जब पहला खर्चा उत्पादन पे 100 रुपये था तो वो अभी 150 हो गया, और जो बी का खर्चा पहले 100 का था तो अभी 80 हो गया। मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक का उत्पादन बढ़ने से एक का खर्चा तो बढ़ गया और एक का खर्चा कम हो गया, तो मतलब ये जो बी वाला है, उत्पादन लागत बढ़ गई होंगी इसकी, इसलिए इसका खर्चा बढ़ गया होगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि कुल मांग में वृद्धि होने पर कुल उत्पादन बढ़ेगा, क्योंकि इस व्यवसाय के साथ ऐसा नहीं हुआ है। वैसे यहाँ पे एक बात कही गई है कि अगर राष्ट्र आय का स्तर बढ़ जाता है, लोगों के पास आय बढ़ जाती है, अगर आय बढ़ जाए तो ये जरूरी नहीं है ना कि सब लोग क्या करेंगे, उपभोग बढ़ाएंगे, कुछ लोग उपभोग घटा भी सकते हैं। लोगों को लगता है कि जैसे दो दोस्त होंगे, एक ए होगा और एक बी होगा, अगर इन दोनों की आय 100 रुपये से बढ़ गई, ए सोचता है कि मैं 100 रुपये बचा लेता हूँ और बी सोचता है मैं 100 रुपये खर्च कर लेता हूँ। तो अगर ये बचत के बारे में सोच रहा है और ये खर्च करने के बारे में सोच रहा है, तो आप ही बताओ क्या ये समूह की इकाइयाँ जो बोले हमने कि अगर आय बढ़ी तो उपभोग बढ़ता है, ये सही सिद्ध नहीं होंगी ना। ये व्यक्तिगत इकाइयों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती, क्योंकि व्यक्ति कुछ भी सोच सकते हैं, व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या हो सकता है, अलग अलग
हो सकता है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए, इस तरीके से मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ, तो फिर भी अगर आपका कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो हमने इन लास्ट दो वीडियोस में हमने आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र और स्थूल अर्थशास्त्र के बारे में बताया, और उम्मीद करता हूँ आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नोट्स के लिए अगेन मैं आपको बता दूँ, विजन अकेडमी करके हमारा ऐप है, आप इसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये नोट से आप पढ़िए और अपने पेपर में बड़े अच्छे मार्क्स लीजिए। ठीक है, फिर भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और पढ़ाई करते रहिए। अगर कोई डाउट है आपको, इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स नहीं समझ में आता, तो आप हमें कमेंट्स में बताइए, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेके आएंगे और हम आपको जरूर समझाएंगे वो चीज़ क्या होती है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।